बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करनी है, वो ये है कि ये टॉपिक मैं बी वालों को पढ़ा चुकी हूँ। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ए वालों के लिए है, और बी वाले अगर अगेन रिपीट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियसली मैंने उनको राइट भी करवा दिया और वो मतलब बता भी दिए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में स्टोर करने हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में कैसे आता है, इसीलिए सबसे पहले वो कहते हैं ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। अब देखिए, ड्रॉ का मतलब ये कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और जब वो कहते हैं ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसके बारे में जो जो मैं बताती जाती हूँ, आप अपने अपने पेन एंड कॉपी पकड़ लें और उसको साथ साथ राइट डाउन करते जाएं कि हमने उसको क्या क्या राइट करना है। तो उसमें जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, सबसे पहले अगर ये आपके पास लिखा हो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रही हूँ और राइट की हुई, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। जितने चीज़ें, जितने पॉइंट्स, जितनी टिप्स मैं इसके बारे में बताऊंगी, वो सारी एक्सप्लेनेशन है। और ड्रॉ का मतलब है जो कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आज हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल हम देखते जाते हैं कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। किसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, इथाइन मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलीन। तो आपके सामने मैं बोर्ड पे राइट कर रही हूँ कि एसिटाइलीन का मतलब क्या है। ठीक है, एसिटाइलीन बेसिकली वही नेम है जो इथाइन का है, कि प्रीवियस में भी बताया था। और सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट ये होगा, पॉइंट नंबर 1, इट कंटेन। क्या चीज कंटेन है इथाइन मॉलिक्यूल, इट कंटेन 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यानी पहली एक्सप्लेनेशन आपने क्या दी कि इथाइन मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन मॉलिक्यूल, और उसके बाद इट कंटेन 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। तो जब आप 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, उसके बाद हम 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि ये किस तरह हाइब्रिडाइज करते हैं और कैसे इनके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे ये बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 4 क्यों लिखे हैं, मैंने पूरे 6 क्यों नहीं लिखे हैं। वैसे एटॉमिक नंबर जो कार्बन है वो क्या है, 6 है। तो जब हम राइट करते हैं -2 2s2 2p2, तो इसी मैंने डायरेक्ट 4 लिखा है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2+2=4। और जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो हम लिखते हैं 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ये बात लिखते हैं, तो ये बात लिखने के बाद कल की क्लास में मैंने बताई थी, तो मैं दोबारा फिर एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ कि ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पास जब पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो दो हेडिंग हमारे पास बन जाती हैं, 1 इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और 2 इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड। देखिए, ये वाले जो हमारे पास है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो और ये वाले जो है ऑर्बिटल है, ये हमारे पास है अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ सेम एनर्जी लेवल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस है जिसमें ये डिफरेंट शेप, डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल शेप में होता है, पी ऑर्बिटल जो हमारे पास किस शेप में, नंबर शेप में होता है। तो ये ओवरलैपिंग करते हैं। ये तीन बातें मैंने आपको प्रीवियसली भी बताई थी, एक हमारे पास होता है एस एस सिग्मा मोड, एक होता है एस पी सिग्मा मोड, एक होता है पी पी सिग्मा मोड। ठीक है, और इसी तरह ये जो ओवरलैपिंग होती है, ये होती है हेड टू हेड। तो ये बनाते हैं sp। ठीक है, sp में दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप अक्सर डिटेल में लिखते हैं 2sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो ऑर्बिटल आप
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से होते हैं? पी वाई पी जेड, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक कार्बन की ये लिखी है 2s1 2px1 2py1 2pz1, लेकिन सेकेंड कार्बन की हम इस तरह लिखेंगे तो वो कितने हो जाएंगे मिलाकर, ये हमारे पास अगर इसके वैलेंस शेल मैंने 4 लिखे हैं एक कार्बन के, तो दूसरे की भी अगर मैं लिखूंगी 2 कार्बन है तो सेकेंड के भी लिखूंगी तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और 8 में से हमारे पास कितने हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी 4 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और 4 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो एक होती है हमारे पास बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के दरमियान और एक होती है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। जब भी हम इसको राइट करते हैं एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देखिए जब मैंने कार्बन कार्बन के दरमियान राइट किया है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, और जब मैं इसको इसके इस साइड पे देखती हूँ बैक साइड पे देखती हूँ तो बैक साइड पे देखिए तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और यहाँ पे मैं देखती हूँ तो कार्बन दोनों तरफ अगर आप देखें लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट साइड पे तो आपको दोनों तरफ जो बॉन्डिंग नजर आएगी वो कौन सी है, ये जो बॉन्डिंग है इसको कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी जो है हाइड्रोजन कार्बन बॉन्डिंग है, लेकिन जो ये वाली बॉन्डिंग है ये दोनों प्योरली किसके दरमियान बॉन्डिंग है, किसके दरमियान बॉन्ड मौजूद है, कार्बन कार्बन के दरमियान। तो इसका मतलब हम देखते ही समझ जाते हैं कि जब हम लिखते हैं कि इट कंटेन टू कार्बन एंड टू हाइड्रोजन तो इट मीन्स टू इंडिकेट द बॉन्डिंग, किस टाइप की बॉन्डिंग है, टू टाइप की बॉन्डिंग है, एक कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है, कार्बन कार्बन के दरमियान है। तो अब हमें इनको एक्सप्लेनेशन में जब लिखना है तो हमने लिखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता चल गया कि जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये वो ऑर्बिटल है जो बिलो एंड अबाव द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ठीक है, और ये आपस में अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं लेकिन आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं। जब ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो रिजल्टिंग में क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इट मींस इस डिटेल से हमें ये पता चला कि जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान तो इसमें कुछ पाई बॉन्ड भी है। अब हम ये नहीं जानते कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथाइन मॉलिक्यूल एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो इससे हमें क्लियर होती है कि इसमें कितने ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिडाइज हैं और कितने अनहाइब्रिडाइज हैं और कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो ये कैसे बने हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड आंसर ऑफ C2H2 मॉलिक्यूल। तो अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन लिखी है, आपने भी मेन पॉइंट्स यही याद रखना है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन मॉलिक्यूल में से दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं sp ऑर्बिट, ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलीन मॉलिक्यूल इज sp, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे, तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको हम इंडिकेट जब करते हैं तो कैसे इंडिकेट करते हैं, ये देखें हमने यहाँ एस लिखा है, एस को बैक से ज्वाइन कर, तो इट इंडिकेट द सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं अब हम नहीं जानते, हम आप स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कल के मॉलिक्यूल में मैंने बता दिया था कि देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल, यानी देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3। किसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बने, हम इसकी डिटेल में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है। ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, sp सिग्मा बॉन्ड, इसको भी क्या कहते हैं, sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक। और जो कार्बन कार्बन के दरमियान है वो तीसरा बॉन्ड है ये हमारे पास बना हुआ है ये सेंटर में, इसको भी हम कहते हैं pp सिग्मा बॉन्ड। आप देखिए हमें क्लियर हो गया कि 3 टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड है, किस किस के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 2 सिग्मा बॉन्ड है जिनको कहते हैं दैट इज कॉल्ड sp सिग्मा बॉन्ड, और दो एक जो है सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान है जो pp के दरमियान है, pxps के दरमियान है बाय द हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होती है तो इट मीन सिग्मा बॉन्ड नहीं बनते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां तक हमने जो पढ़ा है देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म
ये इथाइन मॉलिक्यूल हाउ टू थ्री सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, यानी थ्री देयर आर थ्री सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, वन टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म एसपी और हाइब्रिडाइजेशन एंड वन सिग्मा बॉन्ड पीपी हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमारे पास इस तरह एस और पी के दरमियान और पी पी के दरमियान जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है उसमें हमारे पास क्या बने, सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो इस तरह हमारे पास थ्री सिग्मा बॉन्ड बने हैं। जबकि हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता चला, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो उससे पता चला कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्लियर हो गए। और उसके बारे में आपने ये डिटेल दिया, वन सिग्मा बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन पी एच पी एस, ठीक है, एंड टू सिग्मा बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन एस पी ऑर्बिटल। और ये बात हमें क्लियर हो गई कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है, एस पी के दरमियान कितने बने और पी पी के दरमियान कितने बने। अब नेक्स्ट में जब हम एक चीज देखते हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के कैसे बनते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कौन कौन से, पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल, बोथ ऑर्बिटल आर कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। Those orbital we did not participate, do not participate in, ठीक है, hybridization is called unhybridized orbital. तो unhybridized orbital क्या करते हैं फिर? तो ये आपस में parallel overlapping करते हैं, py orbital of one carbon atom and py orbital of second carbon atom, ठीक है, यानी py orbital of one carbon atom, py orbital of second carbon atom, parallel overlap. ठीक है, क्या करते हैं, पैरेलल ओवरलैप टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ये चीज हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं। ये देखिए, जब हम कहते हैं कि कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने वही दो कार्बन है, दो कार्बन को मैंने राइट किया है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने बने आपको पता है, ये देखिए, ये पी एक्स मैंने ड्रॉ किया है, ये भी पी एक्स मैंने ड्रॉ किया है, कार्बन का दूसरे कार्बन का कितने हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है, मैंने उनके दोनों हाइड्रोजन को शो कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये तीनों हेड टू हेड ओवरलैप है, ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने पाई पी की चूंकि मैं बात कर रही हूँ, तो ये देखिए पी वाई ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है, पी वाई ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम, पी वाई ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन एटम, ठीक है, पी वाई ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन एटम, तो मैंने दोनों को लिख लिया। अब सिमिलरली पी जेड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन, देखिए पी जेड ऑर्बिटल मैंने इसका बना लिया, बिल्कुल इसी तरह बनाना जैसे पहले ड्रॉ किया है। तो ये पी जेड ऑर्बिटल मैंने कार्बन का बना लिया और पी जेड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का बना लिया, ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन एटम, तो पैरेलल ओवरलैप ये करेंगे, ठीक है, मैंने शो ऐसे किए, वरना हम दूसरी तरीके से इनको शो करते हैं, जैसे ये शेप मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, पी जेड किस रीजन में होता है, पी एच किस रीजन में होता है, लेकिन ये देखें अब ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, पी वाई से पी जेड से, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है पी वाई के दरमियान बन रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड, और एक बन रहा है पी जेड, ठीक है, और पी जेड के दरमियान बन रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर फॉर्म टू, टू पाई बॉन्ड बने हैं किसके दरमियान, पी जेड ऑर्बिटल के दरमियान और पी वाई ऑर्बिटल के दरमियान। तो इस तरह ये हमारे पास जो ऑर्बिटल बने हैं, तो टू पाई बॉन्ड बने हैं, देयर आर टू पाई बॉन्ड आर फॉर्म इन इथाइन मॉलिक्यूल बाय पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है, तो किसके जरिए बने हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए बने हैं, और थ्री सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, हमने इसकी डिटेल बता दी आपको कि कैसे बने हैं। ये जैसे मैंने राइट किया है पी वाई ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप, ठीक है, टू फॉर्म अ वन पाई बॉन्ड। सिमिलरली पी जेड ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप, ये सेंटेंस यहाँ है, पैरेलल ओवरलैप टू फॉर्म अ वन पाई बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बन गए, टू पाई बॉन्ड बन गए, ठीक है, और टू सिग्मा थ्री सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल में बनी है, वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो कितनी बनी है, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास बनी है फाइव। कैसे पता चला, हाइब्रिडाइजेशन से पता चला कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितनी है, फाइव है, कैसे, थ्री सिग्मा बॉन्ड है और टू बाई बॉन्ड है।
अब ये हाउ टू फॉर्म द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो आंसर इसका मौजूद है, कैसे आंसर मौजूद है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको पूरी डिटेल बताई है कि कैसे बने हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुई है। इसी तरह अब आता है पॉइंट, हमारे पास फोर पॉइंट आता है, फोर पॉइंट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर इसमें टू अनहाइब्रिडाइज्ड हैं बाकी थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर हो गई कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, थ्री हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, टू हैं। अब हम अगली बात में जब आते हैं तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का क्या होगा, स्ट्रक्चर ऐसे मॉलिक्यूल का लीनियर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज लीनियर। अब लास्ट में हम आते हैं बॉन्ड एंगल, लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, तो आप जब देखते हैं ऐसे बना हमारे पास मॉलिक्यूल बिल्कुल लीनियर है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है, यूं देखा जाए तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो आप इसमें से जो सम अप हम कर रहे हैं, पॉइंट्स याद कर रहे हैं, आप देखिए ये सारी एक्सप्लेनेशन है, और इससे पहले जो मैंने आपको बताई वो सारा ड्रॉ द स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गई है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और उस मॉलिक्यूल को, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं दो तीन दफा आपको ये बात बता चुकी हूँ कि एक्सप्लेनेशन में ये बातें सारी हमने लिखनी है, और जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो मैंने कल भी आपको सिखाया था, और मैं आप दोबारा भी आपको सिखा देती हूँ कि ये हम स्ट्रक्चर कैसे, इसके कई तरीके हैं ड्रॉ करने के। एक तो मैंने आपको कल सिखाया है कि ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, दूसरा एक और तरीका है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन क्या दिया होता है कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे दिया होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो दो कंफर्म दिए होते हैं, एक दिया होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यानी ऐसे डायन मॉलिक्यूल ऐसे दिया होता है, इसको नाम लेट्स सपोज दिया होता है ए, और दूसरा आपको दिया होता है सी सिंगल बॉन्ड सी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन शो किए थे, हाइड्रोजन शो किए थे और हाइड्रोजन शो किए, इसको कहते हैं बी। तो वो कहते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द, अगर आपको ए का कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी देनी है और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। अगर ऐसी सिचुएशन में ए दिया है, लेट्स सपोज हमारे पास ए है, तो हम बहुत इजी वे में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा देखिए ये सेकंड मेथड है, जिन बच्चों को वो बात समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए कैसे मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके लिखे हैं आपने, ठीक है, तो जब बड़ा करके लिखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, इसी स्ट्रक्चर को मैंने लिखा है देख के, ऐसे पेपर में आया हो तो ऐसे ही लिखेंगे। आप ये देखिए गौर करें तो यहाँ जो बॉन्ड है इसको मैं रब करके देखिए, ये बॉन्डिंग बना दी, ये पी एक्स एक कार्बन का बना दिया, ये पी एक्स दूसरे कार्बन का बना दिया। अब एक कार्बन का पी एक्स दूसरे कार्बन के पी एक्स से हेड टू हेड ओवरलैप होगा, अब इसका भी मैंने ऐसे ही बना दिया। अब देखिए अब यहां मैंने हाइड्रोजन एज इट इज फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, ये देखिए ये मैंने बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है किसका बनाया है, अब यहाँ पे भी मैंने राउंड शेप में बनाया, जैसे ही मैं स्फेरिकल राउंड शेप में बनाऊंगी तो इट मीन्स टू शो द एस ऑर्बिट, यानी ये वाली बॉन्डिंग जो होगी एस पी होगी, ठीक है, सोचे समझे बगैर भी आप ये बात क्लियर कर सकते हैं, ये बॉन्डिंग कौन सी है, एस पी बॉन्डिंग है। अब जब हम इसकी बात ये वाली करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो पी पी के दरमियान है, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल हो रहे हैं, पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें यहाँ से भी क्लियर हो रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के बन रहे हैं, यानी पी पी के दरमियान बन रहा है, एस पी के दरमियान बन रहा है, तो हमने इंडिकेट कर लिया। आप देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये बॉन्डिंग बनी हुई है, यहाँ एक लाइन और बनी है, इसको हम ऐसे बिल्कुल ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने ऐसे बनाया है, एक कार्बन का बिल्कुल इसकी ऑपोजिट ऊपर बनाना चाहते हैं तो ऊपर भी बना लेते हैं, एक कार्बन है पी वाई और दूसरे कार्बन का पी वाई, देखिए मैंने यहाँ से जोड़ दिए और बिल्कुल सिमिलरली नीचे भी इसी तरह पी जेड एक कार्बन का पी जेड दूसरे कार्बन का, आप देखें इनको मैं ऐसे शो कर दिया है ऊपर नीचे, देखिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारे पास वर्टिकल लाइन में थे, ये हॉरिजॉन्टल में मैंने शो कर दिए, लेकिन बात वही है। तो ये देखें ये हमने साफ लिख दिया पी जेड टू पी जेड, ये पी पी के दरमियान है, पी एच के दरमियान, ये पी पी वाई पी वाई के दरमियान, अब खुद क्लियर हो रहा है पी वाई के दरमियान है, ये क्या है पाई बॉन्ड है, और पी जेड के दरमियान जो है वो पाई बॉन्ड है। तो
हमने स्ट्रक्चर से ये भी सीखना है, इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह मर्जी ड्रॉ करें। तो कहानी हमने क्या बतानी है, एक्चुअल जो कहानी है हमारे पास वो ये बतानी है कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने भाई इसको देख के लिख लिया और यहीं से आपने एंगल ड्रॉ कर लिया कि इसमें एंगल कितना है 180 डिग्री और एटीडाइजेशन कितनी है एसपी है, क्योंकि हमें पता चल जाता है यहां से भी पता चल रहा है और जब इसकी हम वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उससे भी पता चल जाएगा। तो पढ़ने के कई तरीके हैं, एक बात आपको समझ में आ गई उसका कई वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी इसी तरह आप बना सकते हैं, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने इसमें सिखाया था कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपसे ए पूछे तो ए की ड्रॉ करेंगे, बी पूछेंगे तो बी, बाकी डिटेल जो इसमें आ जाएगी, यूटिलाइजेशन कौन सी है, बॉन्ड एंगल कौन सा है, ठीक है। ये सारी भाग मैंने यहाँ पर आपके सामने रिपीट कर दी। तो ये सारी चीज जो थी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है ये सारी इसके बारे में थी, किसके बारे में थी, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है। हम नेक्स्ट में आते हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, यानी प्रिपरेशन इक्वेशन है किसकी, किसकी प्रिपरेशन इक्वेशन है इथाइन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम तरीका सीखते हैं। अब हमारे पास जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास लेक्चर हो ही रहेगा, सिर्फ हमारे पास हेडिंग चेंज हो जाएगी, हेडिंग क्या चलता है चेंज हो जाएगी, ठीक है। इथाइन उसी तरह है, C2H2 हमारे पास ग्रीन टॉपिक है, हम इसकी हेडिंग जानिए बना लेंगे प्रिपरेशन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रिपरेशन इक्वेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। तो प्रिपरेशन इक्वेशन जब हम बात करते हैं तो हमें मटेरियल चाहिए कि किस मटेरियल से हम प्रिपेयर करेंगे किसको, इथाइन को। तो नंबर वन मैंने आपके सामने राइट कर रही हूं, नंबर वन हमारे पास क्या होगा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड को जब हमने राइट किया है तो इसका फॉर्मूला क्या है CaC2, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2, रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, इसमें ऐड क्या करेंगे वाटर। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा रिएक्टेंट के लिए हमें किसकी जरूरत है, कैल्शियम कार्बाइड की जरूरत है, उसको रिएक्शन किससे करवा रहे हैं वाटर से। उसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है उसको आप किस फॉर्म में राइट कर रहे हैं। देखिए ये देखिए मैंने सी ले दिया और उसको ज्वाइन कर लिया, तो जिस तरह भी आप लिखें आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट किया है वही चीज है, दो टाइम पे मैंने राइट कर दी है, ठीक है, किससे वाटर से। तो जब वाटर से इसके रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देखिए C2 है तो मैंने C2 लिख लिया, H2 कहां से ले गया है, जब इसको मैंने वाटर में ऐड किया है। अब हमारे पास ये जो कैल्शियम है ये कहां गया, तो कैल्शियम के लिए आपको पता है कि हम जब भी राइट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में ऐड किया तो हमारे पास एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, दूसरा क्या बना है इथाइन बना है, ठीक है, और ये हमने प्रिपेयर कर लिया। इसमें भी वही है जो रिएक्शन में इसमें लिखा है, आप इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें दोनों में हमारे पास जो आंसर है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसमें क्या प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड एच, और इसी तरह लिखेंगे CaOH2। अब हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन हमने लिख लिए, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितने हो गए हमारे पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ज्यादा 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। देखें ये 2 जो है मल्टीप्लाई करता है इससे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास कैल्शियम यहाँ देखते हैं सिंगल है तो यहाँ भी कैल्शियम सिंगल है, यहाँ कोई कोफिशिएंट अगर लगाएंगे वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ वाला इससे मल्टीप्लाई अभी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला 2 जो है मैंने बाहर लिखा है सिर्फ OH के साथ है, तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या स्लेट लाइम। तो ये हमने इसे प्रिपेयर किया है, किसको प्रिपेयर कर लिया है कि आप इथाइन को, और इथाइन का दूसरा नाम क्या है एसिटाइलीन। आप जब भी पढ़ें तो दोनों नेम लाजमी लिखें, कभी कभी ये पेपर में सिर्फ एसिटाइलीन के नाम से आया होता है और कभी कभी पेपर में ये इथाइन के नाम से आया होता है, तो लिहाजा दोनों नेम हमें क्लियर हो कि इथाइन किसे कहते हैं और एसिटाइलीन किसे कहते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रिपरेशन इक्वेशन है,
कि हमने कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन को कैसे प्रिपेयर किया है। पेपर में सवाल कैसे आता है, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये इसकी पहली इक्वेशन थी। अब जैसे हम दूसरी इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो जरा दूसरी इक्वेशन का फार्मूला देख लेते हैं कि दूसरी इक्वेशन का फार्मूला क्या है, ठीक है। और वो फार्मूला मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है, पढ़ा गया हुआ भी है, आप दोबारा मैं इसको अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप गौर करें तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो आंसर ये होगा कि देखिए मैं जब आप लिखती हूँ फ्रॉम 1, 2, आप ये वाला जब नाम लिखेंगे तो IUPAC नेम है 1, 2 डाई क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं, डाई क्लोरो इथेन। आप देखिए जैसे वर्ड इथेन आया तो हम समझ गए कि सिंगल बॉन्ड है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 है। तो आपके सामने मैं लिख रही हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, राइट कर लिया। अब इसके साथ में क्लोरीन लिख रही हूँ, इसके साथ भी मैं क्लोरीन लिख रही हूँ। आप इसको मैं प्लस कर रही हूँ, प्लस करके क्या लिखूंगी, KOH। अब KOH क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इसके रिएक्टेंट के लिए लिखा था कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से, तो वाटर की जगह यहाँ क्या आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक पोटेश भी इसको बोलते हैं। ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1, 2, देखें 1, 2 जहां से मर्जी नंबरिंग करें, 1, 2 डाई क्लोरो ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने अगेन राइट किया है आपकी समझ के लिए। तो व्हाट विल बी हैपन, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट में क्या है, जब एरो के बाद जो चेंजिंग आती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या चेंजिंग आई है। पहले आपने क्या फॉर्मूला चार्ट किया, 1, 2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है, इसको वेसिनल डाई क्लोरो इथेन भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, 1, 2 डाई क्लोरो इथेन। तो इसको जब रिएक्ट किया तो आपको नजर आ रहा है कैल्शियम है, तो कैल्शियम जब पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या रहता है, यहाँ से क्लोरीन को ले लेगा तो क्या बना लेगा, KCl, ठीक है। अब KCl के लिए क्लोरीन 2 है तो हम यहाँ 2 लगाना पड़ेगा तब 2KCl बनेगा। अब यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट साथ साथ लगा लिया, कभी बाद में एंड में भी लगा सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एंड में सिखाया है, ठीक है। तो 2KCl की कहानी तो खत्म हो गई, अब हमारे पास ये Cl चले गए, इनका बॉन्ड बाकी रह गए, ठीक है। अब ये OH है, ठीक है, ये OH क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा, लेने के बाद क्या बना लेगा, H2O, तो ये भी बन गया H2O। अब बाकी क्या बच गया है, हमारे पास बाकी जो बच गया, देखिए एक ये वाले एक हाइड्रोजन के जाने के बाद, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, हमारे पास बन जाएगा C2H2, या इसको हम लिखेंगे HC, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इथाइन को हमने किससे प्रिपेयर कर लिया है, रॉ मटेरियल क्या था हमारे पास, 1, 2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। स्टूडेंट्स ये प्रिपरेशन इक्वेशंस थी दोनों, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके रिएक्शन क्या है, प्रिपरेशन इक्वेशन सिर्फ ये दो ही थी, ये ए बी दोनों के लिए है। पहले क्या याद रखनी है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, सेकंड आपने क्या याद रखना है, 1, 2 डाई क्लोरो इथेन रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल बी हैपन इन प्रोडक्ट, पोटेशियम क्लोराइड हाई वाटर एंड, ठीक है, एंड इथाइन। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आपको कोई भी मसला हो अंडरस्टैंडिंग में किसी में भी, तो कैन यू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप, ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, यही आपके पास होम असाइनमेंट है जो मैं बोर्ड पे राइट कर रही हूँ, आपने 3-3 दफा राइट करके याद करनी है और मुझे चेक भी करवानी है, ठीक है, जो पढ़ाया यही होम असाइनमेंट है, ओके।